हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपने फेस में डिटेल दे सकते हो और फेस को स्मूथ कर सकते हो। तो आप ये वाला फ़ोटो में देख सकते हो कि यहाँ पे फेस स्मूथ नहीं है और यहाँ पे बहुत सारे स्पॉट्स है फेस पे। तो उसको कैसे रिमूव करना है और फेस को कैसे स्मूथ करना है मैं आपको फुल डिटेल्स में बताऊँगा इस वीडियो में। तो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, ऑटोडेस्क स्केचबुक। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो या प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फ़ोटो को शेयर कर देना है ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में, और शेयर कर लेने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। तो वीडियो बिना स्किप करके देखना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो ऊपर में जो थर्ड वाला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाएंगे, टूल्स मिल जाएंगे यहाँ पे। तो जो मेन वाला जो ब्रश है, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपको कुछ इस तरह से ऊपर की तरह स्वाइप करते जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्मज बोल के, यहाँ पे स्मज देख सकते हो यहाँ पे। तो ये वाले ऑप्शन में जो सेकेंड लाइन में जो ब्रश है उसमें से जो सेकेंड वाला ऑप्शन है ब्रश, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद ऊपर की तरफ आपको साइड में सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे जो फ्लो है उसको आपको 7 रख लेना है, ठीक है। 7 रख लेने के बाद यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है उसको 5 रख लेना है। तो मैंने यहाँ पे इसको 5 रख लिया है, और साइज़ अपने फ़ोटो के मुताबिक से होता है। तो आपको कौन सा भी साइज़ रख लेना है इस तरह से, और साइज़ रख लेने के बाद एक बार इस तरह से अप्लाई करके देख लेना है, ठीक है। अगर साइज़ बराबर है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा कम ज़्यादा करके देख सकते हो। तो मैं साइज़ को इतना रख लिया हूँ, और अभी आपको इस पे फेस को अप्लाई करना है, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए आपको कौन सा भी पार्ट को चूज़ कर लेना है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। कुछ इस तरह से आपको अप्लाई करते जाना है जिससे फेस स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में करने से फेस अच्छे से स्मूथ नहीं होगा, तो मैं आपको इसके बाद बताऊँगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, जिससे हमारा फ़ोटो और ज़्यादा रियलिस्टिक लगे और उसमें डिटेल्स दिखाई दिए। तो मैंने यहाँ पे लगभग हाफ फेस को कर लिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे लाइंस है फेस के ऊपर। तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करना है, जो हमने इस तरफ से जो लाइन ड्रॉ करा था ना यहाँ पे, उसका ऑपोजिट साइड से स्मूथ कर लेना है, ठीक है। मतलब ऐसा ड्रॉ करते जाना है जिससे ये ऑटोमेटिक स्मूथ हो जाएगा। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। अगर करते करते बाई चांस आपको इस तरह से अगर ड्रॉ हो जाता है कहीं भी, तो उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे जो छोटा सा डॉट दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और राइट साइड में जो एरो है उसको आपको क्लिक कर देना है, ठीक है, जिससे ये रिमूव हो जाएगा। जो भी स्पॉट रहेगा, मतलब गलती से जो भी ड्रॉ करे वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर लेता हूँ, और मैंने ये साइड में अभी स्मूथ नहीं करा था तो इसको भी स्मूथ कर लेता हूँ। और अभी नोज़ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, लगभग 16 रख लेता हूँ, और इस तरह से अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी फटाफट से कर लेता हूँ, नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगा कि क्या करना है, ठीक है, इसके बाद, जिससे हमारे फ़ोटो और ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। तो मैंने यहाँ पे इसको स्मूथ कर लिया है, और मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ और कहाँ कहाँ पे मैंने नहीं किया है। तो मैंने यहाँ पे मिस कर दिया था। तो अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करे तो लाइक कर दो, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह से वीडियोस आपको मिलती रहेंगी फ़ोटो एडिटिंग से जुड़े। तो अभी मैं आपको बताऊँगा कि हेयर्स और जो कट्स होते हैं ना हेयर्स में और आईब्रोज में, वो कैसे करना है। तो आपको फिर से सेटिंग्स पर चले जाना है,
और इस बार फ्लो को 30 या तो 31 रख सकते हो, और स्ट्रेंथ को 19 रख लेना है, ठीक है। 19 रख लेने के बाद साइज़ को मैं इतना ही रख ले देता हूँ छोटा, क्योंकि हमें आईब्रो पे कट मारना है। तो इसके लिए क्या करना है, इस तरह से अप्लाई कर देना है ऊपर से और यहाँ से नीचे से भी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर लिया है, और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा उसके अपोजिट साइड से कर लेना है, ठीक है। तो मैं एक और लगा लेता हूँ। तो ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में जो भी था मैंने सब कुछ कर लिया है। अभी हम इस फोटो को सेव कर लेते हैं। इसके लिए ये वाला आइकॉन पे क्लिक करना है, और शेयर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जो सेव टू डिवाइस है उसके ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ से भी एक सेव का ऑप्शन आएगा, उसको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अभी रियलिस्टिक लुक कैसे देना है फ़ोटो में, ठीक है। तो हमारा फ़ोटो यहाँ पे सेव हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो। तो रियलिस्टिक लुक देने के लिए हमें क्या करना है, ये वाला जो फ़ोटो है उसको हम पिक्सार्ट एप्लीकेशन में सेंड करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पिक्सार्ट एप्लीकेशन में चले जाता हूँ। तो रियलिस्टिक लुक देने के लिए हमें ब्यूटी वाले ऑप्शन जो यहाँ पे है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे राइट साइड में जो ऑटो वाला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे अमाउंट आप देख सकते हो जो आपको पसंद आए जो अमाउंट में। तो मैं यहाँ पे 10 रख लेता हूँ, आप कितना भी रख सकते हो, ठीक है। तो मैं रख लेने के बाद यहाँ से इसको डन कर लेता हूँ, और यहाँ से भी इसको डन कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप फ़ोटो को देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है फ़ोटो। तो इसके बाद आपको क्या करना है, जो फ़ोटोज़ में मॉडल्स के फ़ोटोज़ में जो रहता ना स्पॉट्स, मतलब डॉट डॉट होता है जो जिससे रियलिस्टिक और अच्छा लुक आता है, तो वो अगर आपको लाना है तो इसके लिए इफ़ेक्ट्स के ऊपर जाना है। इफ़ेक्ट्स के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक इफ़ेक्ट दिखेगा FX, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और जो नॉइस वाला इफ़ेक्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे नॉइस के जैसा आ चुका है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे अमाउंट्स को कम ज़्यादा करके देख सकते हो, तो मैं लगभग इतना रख लेता हूँ। और इसके बाद आपको एरेज वाले ऑप्शन के ऊपर चले जाना है, और यहाँ से फ़ोटो को कर लेना है इन्वर्ट, ठीक है। इन्वर्ट कर लेने के बाद यहाँ पे सिर्फ अपने फेस के ऊपर मारना है, आईस और लिप्स के ऊपर नहीं मारना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको कर लिया है, और यहाँ से कर लेता हूँ डन। फिर आप यहाँ पे नॉइस को डिक्रीज या इंक्रीज करके देख सकते हो जितना चाहिए, और यहाँ पे फेड को भी डिक्रीज या इंक्रीज करके देख सकते हो, ठीक है। तो मैं इतना रखने के बाद यहाँ से कर लेता हूँ डन। ये हो जाने के बाद अभी आपको चले जाना है ड्रॉ टूल के ऊपर। ड्रॉ टूल के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक कर लेना है, और फोटो कर लेना है सेव, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके जाना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके साइड वाला बेल आइकॉन को भी दबा देना, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी जाके आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और आप कमेंट में भी बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर अभी अगली वीडियो पर।